स्वागत है आपका सन्मार्ग की न्यूज रूम लाइव में। मैं अभिषेक मिश्र आज आपको भागलपुर के साथ साथ बिहार राज्य और देश विदेश में क्या हलचल है जो कि कल के अखबारों की सुर्खियां बनेगी उससे अवगत कराऊंगा। अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना एक योजना है जिसमें माताओं और बच्चों को उसका लाभ मिलता है, इसको लेकर आज कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। क्या कुछ खास इस खबर के बारे में जानते हैं हम प्रवीण मिश्र जी से। जी प्रवीण जी, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है जो भारत सरकार की योजना है, इसमें मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एक विशेष सहायता दी जाती है। माताएं जब से गर्भवती होती हैं तो प्रथम किस्त में 1,000 रुपये, 6 माह के बाद फिर 2,000 रुपये और संतान होने के बाद उन्हें 2,000 रुपये की सहायता दी जाती है। तो इसके लिए एक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS और जिला स्तरीय पदाधिकारी जो भी हैं इनके द्वारा जिले के सभी ICDS कर्मियों को आज सदर अस्पताल के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया और कहा गया कि आंगनवाड़ी दीदियों के माध्यम से ये अभियान चलेगा और प्रत्येक केंद्र पर ये एक अभियान चलाकर वहाँ ढूंढा जाना है कि किनको सहायता दी जा सकती है और किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। तो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और लगातार 1 सप्ताह तक पूरे जिले में ये अभियान चलेगा। तो ये एक सामान्य खबर आज की रही और प्रशासनिक गतिविधियां भी सामान्य जिलों की तरफ चलती है। आज तो संडे था तो सामान्य जी जी। तो 1 सप्ताह तक आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदियों को कहा गया है ये अभियान चलाने के लिए। वहीं आज ये सिख धर्म के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, उनका गुरु महाराज का 334वां शहीदी पर्व आज गुरु पर्व मनाया गया है। क्या कुछ खास है हम जानते हैं राजीव से। जी अभिषेक जी, आज जो है सिख समुदाय के 9वें गुरु जो तेग बहादुर सिंह जी थे उनका 344वां शहीदी गुरु पर्व के रूप में मनाया गया और उन सरदार त्रिलोचन सिंह ने उनके जीवन और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आसाम जाने के क्रम में गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो है वो सराय स्थित 40 दिन तक ठहरे थे। इस अवसर पे शहीदी गुरु तेग बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, सुखमनी पाठ का आयोजन किया गया और सहित लंगर का भी आयोजन किया गया। वहीं दूसरी खबर ये रही कि भागलपुर महोत्सव की तैयारी को लेकर आयोजन समिति ने बैठक की और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कई बड़े कलाकार और गायक और कवि लोगों की आने की सहमति जताई गई है और इसके जो आवेदन जमा करने की तिथि थी उन्हें 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। जी, मुख्य रूप से यही आज की खबर है। तो भागलपुर की ये तो खबरों के बारे में राजीव और प्रवीण जी ने बताया। वहीं आज भागलपुर में जो 4 दिनों से रंग महोत्सव चल रहा था उसका 4वें दिन समापन भी हो गया है। आज बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम तरीके से आज रंग महोत्सव संपन्न हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। वहीं बांका और नौगछिया इन दोनों जगह की खबरें भी क्या है। नौगछिया में आज जो जिला पार्षद के भाई हैं सोनू राय, उनकी पिछले दिनों हत्या हो गई थी तो उस मामले में आज गिरफ्तारी हुई है। नहीं, अब अमरपुर में भी गांधी महोत्सव मनाया गया है। लेकिन सबसे पहले हम अभय जी से जान लेते हैं कि भागलपुर के रंग महोत्सव के बारे में संपन्न हुआ, उसके बाद अभय जी से ही जानेंगे बांका नौगछिया और कोसी क्षेत्र की खबर के बारे में। जी अभय जी। जी अभिषेक, आज 4 दिवसीय रंग महोत्सव का समापन हो गया। इस अवसर पर कई कलाकारों को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया। कई नाटकों को भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार समेत कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया। तो इस मौके पर कहा गया कि यह आयोजन अब संस्कृति के खिलाफ एक अभियान है जिसे भागलपुर के रंगकर्मी हमेशा जीवंत बनाए रखेंगे और लोगों को भी ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि वो अब संस्कृति के खिलाफ इस अभियान से जुड़े और उनका भरसक सहयोग करें। तो ये अब संस्कृति के खिलाफ एक सार्थक प्रयास माना जा रहा है। वहीं हम बांका की खबरों की बात करें तो इसी कड़ी में बांका में 3 दिवसीय गांधी महोत्सव के दूसरे दिन आज कई सत्रों में कार्य किए गए, श्रमदान किया गया,
सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गई और विचार व्यक्त किए गए। तो इस मौके पर बनारस से आए अमरनाथ भाई ने सभी धर्मों के मूल तत्वों पर जोर देते हुए कहा कि सभी धर्मों में भाईचारे और मानवता की बात कही गई है और इन सबको एक साथ इन सबके बीच तालमेल बनाकर ही मानवता को जीवित रखा जा सकता है। वहीं डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि मातृभाषा में ही शिक्षा देना उचित है, जो गांधी जी भी कहा करते थे। सबसे बड़ी बात है कि शत्रुघ्न भाई ने इस दिशा की ओर ध्यान दिलाया कि आज लोग थोड़ा पढ़ता है तो वो घरेलू काम छोड़ देता है जी, थोड़ा और पढ़ लेता है तो गांव ही छोड़ देता है, शहरों में रहने लगता है। तो सार तत्व में उन्होंने बताया कि पढ़ लिख कर कुदाल चलाना कोई तुच्छ कार्य नहीं है, ये धरती माँ की सच्ची सेवा है और ऐसा करके ही भारत की आत्मा को जीवित रखा जा सकता है जी। इस मौके पर एक नाटक खेला गया पोंगा पंडित, जो कि सामाजिक विषमता को जिसके माध्यम से सामाजिक विषमता को प्रदर्शित किया गया। इसी मौके पर रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित गांधी नाटक का भी प्रदर्शन किया गया जी। फिल्म जो है, तो ये बाका की खबर है। अब नौगछा की बात करें तो नौगछा में पुलिस को एक सफलता मिली है। पिछले दिनों जीप सदस्य गौरव राय के भाई सोनू राय उर्फ रित ध्वज की हत्या कर दी गई थी, जिसमें वहीं उनके गांव के ही तुलसीपुर के राकेश राय, मुरलीधर राय और पुरुषोत्तम उर्फ छोटवा यादव को अभियुक्त बनाया गया था। इसी क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसपी निधि रानी और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक एसआईटी की का गठन किया गया था, एसआईटी गठन किया गया था हाँ, जिसका नेतृत्व डीएसपी परवेंद्र भारती कर रहे थे, जबकि इसका मॉनिटरिंग एसएसपी आशीष भारती और डीआईजी विकास वैभव भी कर रहे थे। तो इन सब की देखरेख में गरैया निवासी गोविंद को गिरफ्तार किया गया, जो कि उसका एक मुख स्वेटर था और उसके पास से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, पिस्टल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किए गए। तो ये नौगछा पुलिस के लिए उपलब्धि है जी। तो वहीं हम सहरसा की खबरों की बात करें तो सहरसा में दिव्यांग दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिव्यांग जनों के लिए कई खेल, कबड्डी, क्रिकेट एवं अन्य खेल खेले गए। इस मौके पर एसडीओ शंभुनाथ झा ने कहा कि अगर कोई मन से कमजोर है तभी वह दिव्यांग है, अगर कोई मन से मजबूत है तो तन से कमजोर होने के बाद भी वो दिव्यांग नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकता है, सिर्फ इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए जी। बिल्कुल। इस मौके पर सहरसा के डीएसपी प्रभाकर राय के नेतृत्व में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, ये भी पुलिस के लिए उपलब्धि है। और वहीं त्रिवेणीगंज में के वाजिदपुर में एक जज की परीक्षा में सफल होने पर उस गांव में जश्न का माहौल। तो अब तक की ये प्रमुख खबरें रही जी। तो हालिया दिनों में ही बिहार नई परीक्षा का रिजल्ट आया है एक दिन पहले, और बिहार के विभिन्न जिलों से कई छात्र उत्तीर्ण हुए। पूर्णिया से भी खबर आई कि पूर्णिया में कस्बा की गढ़बनैली से एक जो परीक्षार्थी था वो उत्तीर्ण हुआ है, 26वां रैंक लाया है। और कुछ दिन मतलब कि इससे कुछ वर्ष पहले ही उसके ही परिवार के एक और युवक ने भी 26वां रैंक लाकर जज की परीक्षा पास की थी, जज बन गया वो। तो ये अभी तो लगातार ये बिहार की जो सफलता है, जो हुनर है वो दिख रहा है। वहीं मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में कलयुगी मामा ने अपने भांजे की हत्या कर दी है। 25 दिन पहले से बच्चा अपहृत था, उस बच्चे की आज लाश मिली है। पुलिस ने आरोपित मामा को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या कुछ खास इस खबर में हम जानते हैं उदय जी से जी। ये विषय ये
मानवीय संवेदना को संसार करने वाली घटना है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में ददरी जाला गाँव है जी। ददरी जाला गाँव में मदन मोहन सिंह अपने ससुराल में रहते हैं जी। उनका इकलौता लड़का था रितेश कुमार जी। छठ पर्व के अवसर पर गांव के बगल में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 5 नवंबर की बात है, रात में बच्चा गया देखने, फिर सुबह तक लौट के नहीं आया जी। काफ़ी खोजबीन के बाद उसकी गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई जी। इस बीच कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन पुलिस को अपने मुखबिरों से कोई सूचना मिली रविवार की सुबह जी। और इसी सूचना पर उस बच्चे के चचेरे मामा राजेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजेश के साथ ही राजीव कुमार भी हैं, दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। लंबी पूछताछ के बाद टूट गए मामा और अंत में उसने कबूल किया जी कि उसने ही बच्चे के अपहरण किया था, उसको उसकी हत्या कर बोरे में लाश बंद कर जी दूर दराज के खेत में जाकर कुएं में डाल दिया था। वो लाश निकाल ली गई है। रितेश की माँ ने बताया पुलिस को जी कि मैं 4 बहन हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है जी। माँ पिता के मरने के बाद बहनों ने मुझे ही सौंप दिया था ये माता और घर। इसी जमीन पर मेरे चचेरे भाई की नज़र थी और इस जमीन के लिए उसने मेरे बच्चे की हत्या की है जी। उधर मुंगेर जिले के ही जमालपुर से घटना है, मामला है। वहाँ दुष्कर्म के बाद 6 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई थी जी। मामला 1 माह पुराना है। उस मामले में त्वरित कार्रवाई हुई और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी मतलब ये परिणति सामने आ रही है, सजा होने ही वाली है। लेकिन इसी बीच जो आरोपित हैं उनके परिजनों द्वारा पीड़िता जो थी दुष्कर्म की पीड़िता, उसकी माँ उसके पिताजी को लोग धमकी दे रहे हैं, केस उठाने की नहीं उठाने पर जानवर धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में दोनों ने आज मुंगेर SP डॉक्टर गौरव मंगल से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है जी। इधर एक अनोखी घटना है जमुई जिले में, अनोखी नहीं धार्मिक निष्ठा से जुड़ा हुआ है। गंगोत्री से दंडवत देते हुए रामेश्वरम जा रहे हैं लक्की बाबा जो भागलपुर जिले के तगेपुर के निवासी हैं जी। अपना नाम उन्होंने सही नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि मैं इसे प्रचारित करना नहीं चाहता हूँ, मैं जन कल्याण के लिए यात्रा कर रहा हूँ जी। बिल्कुल, तो जन कल्याण के लिए गंगोत्री तक की यात्रा हो रही है। वहीं भागलपुर से एक और खबर आ जाई है। खबर हालांकि तो ये 2-3 दिनों से किसान एक अमेरिकी वॉम्प किट है, आर्मी वॉम्प किट, फॉल आर्मी वॉम्प किट, इसके कीड़े अधिकांशतः मक्के की फसल लगते हैं। चूँकि मक्के की फसल में ज़्यादा मुनाफा मिलता है किसानों को, तो किसान मक्के की फसल ज़्यादा लगाते हैं। अभी 2 माह पूर्व ही किसान बाढ़ की विभीषिका से उभरे भी नहीं थे, अभी बहुत लोगों को मुआवजा मिल भी नहीं दिया, राशन किसी किसी का नाम नहीं, किसी को मुआवजा नहीं मिला है। वहीं मक्के की फसल में नाथनगर के दियारा इलाके में वॉर्म किट लग गया, ये फॉल वॉर्म किट, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित हैं। कई किसानों ने कर्ज लेकर इस बार खेती की थी, हजारों एकड़ की खेती में ये कीट जो है अपना जो प्रभाव है वो दिखा रहा है। मुख्यतः ये कीट जो होता है ये पेड़ों की पत्तियों को खा जाता है, उसके गभ्भे को खाता है और पूरे पत्ती को उजला उजला करता कर देता है, इससे किसान काफ़ी चिंतित हैं। कईयों ने अपनी बेटियों की शादी का अरमान बांध रखा था कि इस फसल बेचकर जब होगा तो बेटी की शादी करेंगे। वहीं DM ने इस मामले में कहा है कि जिला कृषि पदाधिकारी को उन्होंने जांच के लिए कहा है, जांच में बात सच उनको पाई जाएगी तो इस पर जो विधिसम्मत कार्य होगा, जो समुचित कार्य होगा वो किया जाएगा। और महाराष्ट्र में भी आज कांग्रेस के खाते में एक अच्छा पद आया है। वहाँ के जो कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नाना भाई पटोले, उनको महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष आज बनाया गया। और भी अन्य राज्यों की, बिहार की और देश विदेश खबरें क्या है हम जानते हैं हमारे संपादक से जी। अभिषेक जी, आज हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में पहली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बोले हैं और उन्होंने दिल्ली में आयोजित गीता महोत्सव कार्यक्रम में हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना पर कहा है कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं उन्हें ठीक से लागू करना होगा और प्रशासन पर ही सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए पुरुषों को महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए
इसकी शिक्षा देनी भी जरूरी हो गई है। इस बीच अभी तक चुप रहे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी आज खुल के बोले हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रहे हैं और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाएंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उधर जैसा आप बता रहे थे महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे की भी टीस विधानसभा के सदन में दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व विचारधारा के साथ था, हूँ और रहूँगा। अब आज मौका था वहाँ पे जो है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नेता विरोधी दल बनाया गया है, तो उन्हीं को बधाई देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं हिंदुत्व की विचारधारा के साथ हूँ और मैंने कभी जो है भाजपा को धोखा नहीं दिया, भाजपा ने मुझको धोखा दिया है। और फडणवीस ने जो है सायराना अंदाज में कहा कि मैं समुंदर हूँ, लौट के फिर आऊँगा। तो वहाँ इसी तरह का चला और पटोले साहब को जो है कांग्रेस के जो हैं उनको तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए जी। अब एक डिप्टी सीएम बनना है एनसीपी से, उसका भी एक दो दिन में फैसला हो जाएगा जी। इधर आज बंगाल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, उसको लेकर बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये दोनों घुसपैठिए हैं, इन दोनों को गुजरात भगा देना चाहिए और ये दिल्ली में घुसपैठ करके रह रहे हैं। इन विस्थापितों को जितनी जल्दी हो सके गुजरात वापस चले जाना चाहिए। और इसके अलावा एक व्यवसायी राहुल बजाज ने एक कार्यक्रम में जिसमें गृहमंत्री अमित शाह थे और भी कई मंत्री थे, उसमें उन्होंने प्रज्ञा भारती को लेकर बहुत तंज कसा था, तो वो आज पूरा दिन जो है सोशल मीडिया पे ट्रोल होता रहा, लोग पक्ष विपक्ष में आते रहे जाते रहे। राहुल बजाज ने कहा था कि पूरी दुनिया जानती है कि गोडसे ने गांधी की हत्या की और इसमें जो है किसी भी तरह से ये नहीं होना चाहिए कि गांधी हमारे देश के नायक रहे हैं, राष्ट्रपिता हैं, और सरकार और मोदी जी खुद बोल चुके हैं कि प्रज्ञा भारती के बारे में कि मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और बार बार वो बोल रही हैं। तो इस पर और आप ही के उन्होंने अमित शाह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप ही की वजह से, आप ही ने टिकट दिया, आप ही के सपोर्ट से प्रज्ञा भारती जीती, इसको लेके बहुत चल रहा है जी। बिहार की बात करें तो बिहार में आज सुबह सुबह जो है फौजी आर्मी के आदमी ने अपनी पत्नी साली को गोली मार करके खुद भी उसने जो है अपने को भी गोली मार ली। और ये बिल्कुल शहर का मामला था, पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र के सैदाबाद इलाके में जवान ने जो है कार चलती कार में अपनी पत्नी और साली को पहले गोली मारी, फिर खुद को भी गोली से मार लिया। इसके अलावा एक अच्छी खबर है, आप शायद छाप भी चुके होंगे कि सुपौल और सहरसा के बीच ट्रेन का परिचालन जो है शुरू कर दिया गया है। और आज स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामत और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति मोहम्मद हारून रशीद और वहाँ के स्थानीय विधायक समेत तमाम अफसर और नेता कार्यकर्ता के सामने जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो 3 साल बाद सहरसा और सुपौल रूट पर फिर से ट्रेन चल रही है। इधर मुजफ्फरपुर में शराब के धंधेबाजों पर आज महिलाओं का गुस्सा फूट रहा है और उन लोगों ने झाड़ू लाठी चप्पल जो जिसको जो मिला उससे पिटाई की है। और पुलिस मजे की चीज़ है, पुलिस के सामने ये सब किया और उन लोगों ने कहा कि पुलिस जो है कुछ नहीं कर सकती है, अब जो है शराब तस्करों से हम महिलाएं ही निपटेंगी। ये मुजफ्फरपुर के मनियारी गाँव है, वहाँ पर ये घटना हुई है, तो ये एक अच्छी पहल है। उधर अगर झारखंड की बात करें तो आज झारखंड में एक एक्सीडेंट में जो है वहाँ के विधायक और इस बार भाजपा के प्रत्याशी जो है भानु प्रताप शाही के भांजे थे समेत जो है 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, इसको लेके बहुत वहाँ पे मातम का माहौल है और स्कॉर्पियो को ट्रक ने टक्कर मार दी। और आखिर में एक खबर जो है, आज से मोबाइल की कालदरें महंगी हो गई हैं और अब
सस्ते मोबाइल कॉल रेट के दिन लग चुके हैं। सारी कंपनियों ने, सभी जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया, सभी टेलीफोन कंपनियों ने जो है टैरिफ रेट बढ़ा दिया है। तो अब जो है बातचीत करने में लोगों को, हम लोगों को सोचना होगा, बस यही काम है। बिल्कुल, तो लोगों को बातचीत करने में सोचना होगा, नया टैरिफ रेट आ गया है। और फडणवीस ने जो साइमानदाज ने कहा, हम तो समुंदर है, फिर से आके मुझे मिलना है, ये भी खास राज। तो आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर देश दुनिया की खबरों के साथ भागलपुर की खबरों को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सलाह को दीजिए इजाज़त। सतर्क रहें, सावधान रहें, शुभ रात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।